तो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे CDS एग्जाम 1 2021 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसका आंसर भी बताएंगे, और सब्जेक्ट आपका है सामान्य ज्ञान। तो और आपको बता देते हैं कि CDS एग्जाम 1 2021 का मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, और प्लस में जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सभी का आपको मेरे चैनल पर CDS एग्जाम 1 या फिर CDS एग्जाम 2 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर मिलेगा, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि NDA का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, और अपने रिवीजन को मजबूत करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व करें और एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाएंगे और उसका आंसर भी बता देंगे कि कौन सा उसका आंसर सही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन है। तो इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे, वो रहेगा टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, और ये आपका है सेट ए 2021 CDS एग्जाम 1। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए, इसमें कह रखा है कि नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल न होने पर निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है, सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश व्यय में वृद्धि को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ, तो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्गमन, ठीक है, यानी कि क्राउडिंग इन। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है फाइव। ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों को क्या कहते हैं जिन्हें कोई उधारकर्ता किसी कर्ज की चुकौती की गारंटी स्वरूप गिरवी रखे। तो चार ऑप्शन इसमें से दिया हुआ, वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, समर्थक ऋणधार, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। तो उसको कहते हैं सांकेतिक ब्याज दर। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 1931 के गांधी इरविन समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ये रहा चार ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा इसका सही है वो आपको बताना है। तो सेवन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सेवन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। कांग्रेस दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति थी, और आप कमेंट करके बताएगा कि कांग्रेस का दूसरा जो गोल मेज सम्मेलन है वो कहाँ और कब हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में वही क्वेश्चन है, इसलिए हम इसका सिर्फ ऑप्शन बता देते हैं। तो पहला का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, थ्री का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिक्स, सिक्स का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। चलिए इसके बाद है सेवन, सेवन का ऑप्शन नंबर कौन सा आपको अभी बताए थे, सेवन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सेवन का ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट है। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो वो किया था अमृतलाल बिटालदास ठक्कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नौ है। वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में
अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था। तो चार ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण खोगले। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दासत्व से संबंधित 1843 के अधिनियम भी अधिनियम 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चार आपको कथन दिखाते हैं और आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो ए देख लीजिए, बी देख लीजिए और सी देख लीजिए और डी देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 10 का बी सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसई यानी कि बसिन संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो था ऑप्शन नंबर ए बाजीराव टू, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विजयनगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 में कह रखा है किरण यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रोत्साहन के माध्यम से अनुसंधान प्रगति में ज्ञान समावेश, ठीक है, किन महिला वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने की एक पहल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बाकी का भी ऑप्शन आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो इंग्लिश में एक बार फिर से आप मैच कर लीजिएगा इंग्लिश में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन आपको बताए थे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 14, इसमें लिखा हुआ निधि निम्नलिखित में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना यानी कि अम्ब्रेला स्कीम है। तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 15, सौभाग्य स्कीम का उद्देश्य सर्वव्यापी रूप से क्या प्रदान करना है। तो प्रदान करना ऑप्शन नंबर बी घरों, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है, मिशन इंद्रधनुष का ये उद्देश्य था कि शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षण, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आपको सारे दिखा देते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सही है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ये तो आपका स्टेटमेंट था, ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 ये क्या है, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 12 समुद्री मील, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है। चार ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में, तो देख लीजिए 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा बताए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 15 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 16 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है 18 क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देख लीजिए कि कह रखा कि
दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार पहचान कीजिए। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपका टाइप है मृदा का और ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देख लिए। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो 22 है, इसमें लिखा हुआ अरेबिका रोबस्ट और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है, तो ये है कॉफ़ी का। ठीक है, कॉफ़ी का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है एल्युमिनियम का निर्माण किससे होता है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ, तो वो होता है बॉक्साइड अयस्क से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट है 24, जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए निम्नलिखित समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला, तो मिला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोर मुगावा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो चार ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 26 है, 26 में देखिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पादन से कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए मंदी अंतराल। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 27 है, सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक अतिरिक्त कुल व्यय जिसमें ऋण शामिल नहीं है क्या कहलाता है, तो कहलाता है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 28 है, 28 में देख लीजिए क्वेश्चन और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो फिर से एक बार क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा ऑप्शन ये इंग्लिश में, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर आपको डी बताए थे, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 24, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 25, 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है 26, 26 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 27, 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 28, 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको पूरा ऑप्शन दिखाते हैं, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, 29 में देखिए क्या कहता है, फ्रांसवा बर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे, तो चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, राजकुमार दारा सिकोहा। ठीक है, इसके बाद 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश फर्म सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ले ली थी, तो चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 31 है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं वो आपको दिया हुआ चार ऑप्शन। ठीक है, चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा IMS के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया था, ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1833। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 34, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 35 है, संसद में निर्णायक मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन से कथन सही है या हैं, तो ये कथन चार कथन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और चार कथन को आप अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद आपको हम ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो चार कथन जो दिया हुआ था और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 3 कथन सिर्फ सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद है 36 है, भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। इसके बाद फिर से आप आंसर मैच कर लीजिएगा, हाँ, तो
29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके बाद 30 का जो सही ऑप्शन आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 31, इसका भी ऑप्शन आपको क्या बताया था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपका 32, तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या था ऑप्शन नंबर इसका सी आपको बताए थे, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 33, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके बाद है 34, 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद है 35, 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके बाद है आपका 36, 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 37, तो लिखा हुआ है विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ें 38 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सम्मति से शासन की प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा जॉन लॉक, इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है 39, तो मिल्पा और लदांग निम्नलिखित में से किसके अन्य नाम है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही झूम खेती, ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है 40, तो 40 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसके बाद पूरा ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 41, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज, इसके बाद है 42 है, जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती हैं तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है अभिकेंद्रीय, ठीक है सेंट्रीपिटल, चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका है 43 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोरियोलिस बल के बारे में सही नहीं है, ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यह बल दक्षिण गोलार्ध में वायु को दाई दिशा में विक्षेपित करता है, ठीक है इसके बाद है 44 है, मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों या कन्वेंशनों के कालक्रमानुसार सबसे पहले शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए, ठीक है सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो आपको व्यवस्थित करना है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है तो देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, इसलिए आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखें, इससे आपको अंदाजा लगता है कि किस तरह का सवाल पूछता है, कैसे क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है तो 44 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 44 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसके बाद फिर से एक बार मैच कर लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसके बाद है 38, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसके बाद आपका है 39, 39 का ऑप्शन नंबर ए, इसके बाद है 40, 40 का जो ऑप्शन आपको बताए थे वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 41, ठीक है तो 41 का जो सही ऑप्शन था वो बी था, इसके बाद है 42, 42 का ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट आपका 43, 43 का ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद है 44, 44 का ऑप्शन अभी आपको बताए थे ए, ठीक है इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है 45, 45 देख लीजिए, सन्यासी और फकीर अशांति या विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, और ये आपका कथन दिया हुआ 1, 2, 3, ठीक है तीन कथन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है तो तीन कथन देखने के बाद आपको ले चलते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है चलिए इसके बाद है 46, वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित किस जिले में युवा नेताओं ने समय सेवक कोर यानी कि सेवा दलों और ग्राम इकाइयों यानी कि तूफान दलों के साथ मिलकर समांतर सरकार यानी प्रति सरकार बनाई थी, चार ऑप्शन आपको दिखाते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 17, ठीक है इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका है 47, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, ठीक है तो पहले इसका नाम था सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम से जाने लगा, ठीक है तो ये कौन था, तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है एनी बेसेंट, ठीक है इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका है 49, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है, कौन सा इसमें से है,
ठीक है, तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, चारों ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के अनुच्छेद 231 निम्नलिखित में से किसे दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, संसद। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो देख लीजिए इसका आप ऑप्शन फिर से एक बार मैच कर लीजिएगा। 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका 46, 46 का जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है आपका 47, ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 48, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 49, 49 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आपका है 50, 50 का ऑप्शन नंबर ए बताए थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 51, बाद आपका है 51, तो 51 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रखा है संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चार आपको ऑप्शन दिखाते हैं और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 52, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया है। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये तो आप 8 क्लास में ही पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए, चार आपको दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 3 टाइप का फसल आपको दिया, तो आपको पहचान करना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इसका ऑप्शन बताते हैं, तो 53 का ऑप्शन नंबर बी चावल, ठीक है, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान का आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 55, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है, चार आपको दिया, तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समताप मंडल। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 56, भूकंपों के प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो चार आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन कर सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो फिर से मैच कर लीजिएगा, तो 51 का क्या ऑप्शन आपको बताए थे, तो 51 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52, 52 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 53, 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ऑप्शन इसका बी बता दिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 54, 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 55, 55 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56, 56 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 57, 57 देख लीजिए, जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है, इसमें समानता क्या है, तो चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोटेश प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका 58, ठीक है, तो 58 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के रूप में लोकप्रिय थे। ठीक है, चार ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 59 है, तो निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसके बाद 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार हुमायूं से संबंध नहीं था। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, बेहजाद। इसके बाद 61 है, 61 देख लीजिए क्वेश्चन और इसका आपको ऑप्शन बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है 62, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भास्कराचार्य की लीलावती
का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, तो ये चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फैजी। ठीक है, ये आप मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, मैथ के आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में। ठीक है, उसमें आप पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो 62 का ये हो गया, उनका ये मैथ का बुक था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 63। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो एक बार फिर से आप मैच कर लीजिएगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 58, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 59, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 60, तो 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है 61 का ऑप्शन नंबर बी, और इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 62 का ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 64 में देख लीजिए, इसमें कह रखा है केंद्र राज्य संबंधों पर पूछी कि आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारधारा आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के लिए भीतर निपटाने की सिफारिश की है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6 माह। ठीक है, 6 महीने के लिए। इसके बाद 65 है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। ठीक है, केसरी एक समाचार पत्र था जो मराठी में छपता था, तो इसके कौन थे, तो लोकमान्य तिलक। इसके बाद 66 है, तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस बृहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बाद है 67 है, किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कथन, इसके बाद आपको इसका ले चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है आप 68, तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। ठीक है, तो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय आर्य। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, कौन सा जलाशय है कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखांश भारत का मानक यामतर रेखा है। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 71, तो 71 क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद आपको ऑप्शन ले चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद इंग्लिश में तो मैच कर लीजिएगा, 64 का ऑप्शन नंबर आपको बताया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 66 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 67 है, 68 ये है क्वेश्चन। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 70 क्वेश्चन नंबर, तो 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 71 का ऑप्शन नंबर आपको बताए थे बी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 72, तो देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुरक्षा आयोजन या योजनाएं, ठीक है, आयोजन है योजना। ठीक है, तो आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और कौन सा ऑप्शन से हो जाए पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 73 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 74, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देख लीजिए 4 कथन दिया हुआ। ठीक है, 4 कथन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 75,
देखिए 75 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ठीक है, तो ये कथन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 76, ठीक है, तो इसका जो निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, अगर आपको कोई लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 77, तो 77 में देख लीजिए, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए तो 76 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है, ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 77 में संसद के संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में मिला लीजिएगा, ठीक है, तो 72 का जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद है 73, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 75 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 76 का ऑप्शन नंबर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो 77 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 78 में निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, तो चार स्टेटमेंट दिया हुआ और इसको अच्छे से देख लीजिए, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 ये रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद 79 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 80, अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है, चार ऑप्शन आपको दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 81, पिनाका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से बताइए कि कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 82, तो 82 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रों के क्वाड समूह का सदस्य नहीं है, ठीक है, क्वाड आप पढ़ेंगे समूह, यह देशों का समूह है, तो कौन इसमें से जो ऑप्शन दिया है कौन नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फ्रांस। इसके बाद है 83 में देख लीजिए, मालाबार अभ्यास 2020 एक्सरसाइज मालाबार 2020 का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कहाँ संचालित किया गया है, तो चार आपको ऑप्शन दिया, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 84, हॉलीवुड अभिनेता सर जॉन कॉन्ड्री किनका हाल ही में देहांत हुआ है, ठीक है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, किसकी भूमिका अदा करने के लिए विख्यात थे, मतलब ये किनका भूमिका निभाते थे, सर जॉन कॉन्ड्री, ठीक है, तो 84 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जेम्स बॉन्ड। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका इंग्लिश में फिर से इसको आप मैच कर लीजिएगा, 78 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है 81 का ऑप्शन नंबर ए, और इसके बाद है आपका 82 का ऑप्शन नंबर भी ए, इसका भी ए सही है। इसके बाद है 83 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है आपका 84 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 85 लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है, लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना, ठीक है,
तो 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है कैराट। ठीक है, कैराट बांग्लादेश 2020, बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास था। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दिया हो तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, USA। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है पेनिनसुला शील्ड फोर्स, निम्नलिखित में से किसका सैन्य बल है। ठीक है, पेनिनसुला, ठीक है, याद रखिएगा। 87 का जो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खाड़ी सहयोग परिषद। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 88। 88 में देख लीजिए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। 88 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 89। वर्ष 2020 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके बाद है 90। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम जो हाल ही में समाचारों में था, कहाँ निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, तो किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन तेलंगाना। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। 91। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। चार आपको ऑप्शन दिया जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, तो इसका तो ऑप्शन आप भी बता दिए होंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा मानो। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 92। 92 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आपको ऑप्शन बताते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश में, तो फिर से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा बताए थे, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 86। 86 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 87। 87 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 88। 88 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 89। 89 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आपका है 90। 90 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आपका 91 है। 91 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद आपका है 92। 92 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 93। 93 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 94। 94 में देख लीजिए कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए राइबोसोम होते हैं। ठीक है, जिनका अपना ही डीएनए राइबोसोम होता है। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 94 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 95। 95 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 96। एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में एक साथ दो या अधिक फसल उगाने को क्या कहते हैं। ठीक है, एक ही खेत में एक साथ जब निश्चित पैटर्न में जब एक बार में दो फसल को उगाते हैं तो उसको कहते हैं अंतर फसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका 97। 97 में देख लीजिए 97 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, NO2। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 98। 98 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी के वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए सल्फर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 99 है, तो निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल या किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने को रोका जाए, मतलब उसको खुला में छोड़ दिया जाता है तो आग पकड़ने की संभावना है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सोडियम। ठीक है, ये है सोडियम। इसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए। ठीक है, जैसे पानी के संपर्क में आता है तो रिएक्शन करना शुरू कर देता है, आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, 10%। इसके बाद इंग्लिश में तो मिला लीजिएगा 93। 93 का जो सही ऑप्शन है, 93 का ऑप्शन नंबर क्या बताए थे, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 94। 94 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 95। 95 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है 96। 96 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 97। 97 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 98। 98 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है
99 का ऑप्शन नंबर बी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 101। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला होता है, ठीक है, तो अधातु होते हुए भी ये चमकीला है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोडीन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं, चार ऑप्शन आपको दिया जा रहा है और इसमें से बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, तो ए यू, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका है 103 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है, सभी तारों की प्रतिरोधकता समान होती है तारों, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका 104 है विखंडन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे कह रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका दिखाते हैं कि क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी, केवल एक और दो, तीसरा नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 105। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है, ठीक है, चार ऑप्शन दिया विद्युत चालक है, तो बताइए किस में करंट पास होता है, तो मानव शरीर, यहाँ पर जो दिया उसमें से तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, मानव शरीर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 106। किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है, ठीक है, तो 106 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो इसको आप देख लीजिए 101 का ऑप्शन नंबर क्या था, तो 101 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद है 102 का ऑप्शन नंबर बी, इसके बाद है आपका 103 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, इसके बाद है 104 आपको दिखाते हैं 104 का ऑप्शन क्या बताए थे सी, इसके बाद है 105 का जो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसके बाद 106 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके बाद है आपका 107, ठीक है, तो 107 देख लीजिए। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मतलब सबसे पहले कौन खोज किए थे, तो वो किए थे जेम्स पी जूल, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 108। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकत्व नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित नहीं करता है, और ये चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नौ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नौ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। निद्रालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो 110 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 111 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वजीवी प्राणी है, तो 111 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट 112 निम्नलिखित में से कौन सी हृदय पेशी कोशिका की संरचना है, तो 112 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 113 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, जो कि टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, खट्टे पदार्थ वगैरह में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो ये है 107 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 108 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 109 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका है 110 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 111 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 112 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है 113 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 114 आपको दिखाते हैं सोडा एसिड अग्निशामकों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका बुझा चूना तैयार करने के लिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा,
इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बाद है 117। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी एक। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया नेक्स्ट आपका है, एक समान वृत्ति गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? ठीक है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में भी मैच कर लीजिए, 114 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 115 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 116 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 117, तो 117 का जो सही ऑप्शन था 117 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 118 का ऑप्शन नंबर डी सही था। इसके बाद है 119 का सी। इसके बाद है आपका 120 का जो सही ऑप्शन था वो था बी। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जरूर बने रहिए, और किसी ईयर का आपको अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, वो जल्द ही आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इसका प्लेलिस्ट बना हो उसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।